देखिए ये इंटरसेट फॉर्म है और इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, दो चार मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे इसमें। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, तो द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इंटरसेप्टिंग लेंस ए बी सी विथ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन। क्या मतलब है इसका कि ये जो एक प्लेन है पी क्यू आर जो प्लेन दिख रहा है, ये एक्स एक्सेस पर ए इंटरसेप्ट काटता है, वाई ये वाई एक्सेस है, ये एक्स है और ये जेड है, और वाई एक्सेस पे बी इंटरसेप्ट काटता है और जेड पर सी इंटरसेप्ट काटता है। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एक्स पे है तो ए जीरो जीरो क्योंकि वाई और जेड जीरो हैं। इसी तरीके से इधर वाले क्या होंगे, जीरो बी जीरो, और जेड वाले में एक्स और वाई जीरो और बाकी सी जीरो बाकी सी। अब हम क्या करते हैं, एक प्लेन की इक्वेशन मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ये एक हमारे प्लस प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब ये जो प्लेन है ये प्लेन इन तीनों पॉइंट से पास होता है तो इन तीनों पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू रख दो एक एक करके। तो पहली पॉइंट हमने पी रखा, इट विल सेटिस्फाई ऑल थ्री पॉइंट्स। ऑल थ्री पॉइंट्स मतलब पी क्यू आर। तो पी की वैल्यू आपने रखी तो एक्स की जगह रखा ए और बाकी तो जीरो जीरो रखे तो ए कितना आ गया, माइनस डी अपॉन ए आ गया। ये पहली वैल्यू ले लो। इसी तरह आपने क्यू इसके अंदर पुट किया, जब क्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन बी। इसी तरह आप आर पुट करेंगे, आर का मतलब जीरो जीरो और इसकी जेड की जगह सी पुट करेंगे। ये सी और ये कैपिटल सी है, अलग है, थोड़ा सा पहचानिएगा नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पर हमने ये कैपिटल सी की जो वैल्यू निकली वो निकली माइनस डी अपॉन स्मॉल सी। ये तीनों वैल्यू निकल आई। अब ए बी सी की वैल्यू इस वाले में हम पुट कर देते हैं, ए बी सी निकाला तो वैल्यू आपने इसके अंदर डाली, जब तो ए की वैल्यू डाली माइनस डी अपॉन ए, बी की डाली माइनस डी अपॉन बी और तीसरे की डाली डी अपॉन सी और इस डी को हमने ले लिया इधर माइनस डी, इस डी को इधर ले गया माइनस डी आ गया। अब देखिए माइनस डी से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया माइनस डी से, तो माइनस डी से डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन, जीरो नहीं वन डिवाइड किया है। और यही हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है जहां पर ए बी सी क्या है, एक्स वाई जेड एक्सेस के इंटरसेप्ट, तो इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक,